नमस्ते दोस्तों, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ये जो भारत में जिस विषय पर इस समय इतना सारा घमासान मचा हुआ है, जाति का जो प्रश्न है, तो जाति कहाँ से आई, किसने बनाई और ये समस्या क्यों है, तो इस बारे में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे विचारकों ने इस बारे में सोचा है और ऐसा नहीं है कि इस बारे में बातचीत नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से इस समस्या को देखने की कोशिश की है और मैं आज आपसे जो जिस स्कॉलर की बात कर रहा हूँ वो गेल ओमवेट हैं और गेल ओमवेट ने जात को किस रूप में देखा है इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गेल ओमवेट पुणे यूनिवर्सिटी में रही हैं, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में रही हैं। इसके अलावा वो इग्नू में भी रही हैं, बड़ी सोशियोलॉजिस्ट हैं, फुले पर उनका बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के जो लोग हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, इस पर भी उनका ढेर सारा काम है। तो इन्होंने जाति को किस रूप में देखा है इस बारे में इस किताब से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। भारत पाटनकर की किताब है कास्ट सिस्टम, और इसमें उन्होंने, गेल ओमवेट ने, 3 पेज का एक नोट लिखा है कि ऐतिहासिक रूप से जाति कहाँ से आई है। गेल ओमवेट क्या बता रही हैं? गेल ओमवेट ये बता रही हैं कि जाति का जो स्रोत है उसको आर्य लोगों के आक्रमण के साथ आमतौर पर जोड़कर देखा गया है और ये माना गया है कि जो हमलावर इंडो यूरोपियन लोग थे उन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बनाया और उनको शूद्र और इस तरह से नीचे की जातियों में धकेला। गेल ओमवेट क्या बोल रही हैं? हो सकता है कि आप और हम उससे असहमत हों। गेल ओमवेट का ये कहना है कि ये ऐतिहासिक रूप से इसका कोई सबूत नहीं है, ये हिस्टोरिकल वर्ड वो यूज कर रही हैं और वो अपना एनालिसिस दे रही हैं कि जाति जो है वो कहाँ से आई है। इनका ये कहना है, इनका पहला पॉइंट है कि जाति जो है ऐसा कोई शब्द प्राचीन आर्य जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आर्यों में 3 कैटेगरीज हुआ करती थी। एक तो जो पुजारी वर्ग था, दूसरा जो योद्धा वर्ग था और तीसरा आम लोग जो थे। ये 3 कैटेगरीज आर्यों में हुआ करती थी, लेकिन उनमें शूद्र जैसा कुछ नहीं हुआ करता था आर्यों के अंदर में। तो एक ढीली ढाली किस्म की सोसाइटी थी जिसमें कि कुछ लोग प्योर, कुछ कम प्योर, कुछ का बना हुआ खाना खा सकते हैं, कुछ का पक्का खाना खा सकते हैं, कुछ का कच्चा खाना खा सकते हैं। इस तरह का एक वर्गीकरण तो जरूर था, लेकिन कोई कास्ट इतनी पावरफुल नहीं थी। ये कैटेगरी वो बता रही हैं कि जो जाति का प्रश्न है ये सबसे पहले इस रूप में आता है। इसके बाद वो बता रही हैं पॉइंट 2 में कि ब्राह्मण्स जो हैं वो धीरे धीरे उन्होंने खुद को, जो पुजारी वर्ग है उन्होंने खुद को संगठित करना शुरू कर दिया और एक सामाजिक वर्ग के रूप में वो खुद को एसर्ट करने लगे, अपनी क्षमता और ताकत वो दिखाने लगे। तो ये जो उनका इसी समय, ये जो पीरियड है, दूसरा जो चरण है, इसी समय में वेद और फिर बाद में मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ये सारी किताबें आती हैं जिसमें कि वर्णाश्रम धर्म की एक व्यवस्था की जाती है कि जातियों की अलग अलग कैटेगरीज हैं और इस तरह से समाज को बांटने की ये परंपरा यहाँ पर शुरू होती है। और ये नहीं है कि इस समय, लेकिन समाज ऐसा नहीं था, ये इनके हिसाब से ये आदर्श व्यवस्था थी जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज के लोग होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे और एक जाति से दूसरी जाति में आना जाना नहीं होगा। ये उनका एक तरह से उनका सपना था कि ऐसा होना चाहिए। तो ये सेकंड जो फेज है ये गेल ओमवेट बता रही हैं। और इसी समय में वो ब्राह्मण चाह रहे हैं कि समाज को इस तरह से होना चाहिए, इसलिए वो इन ग्रंथों की रचना करते हैं। आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर भी कास्ट इन इंडिया किताब में बोलते हैं कि जाति जो है वो ब्राह्मणों ने बनाई है। ये कास्ट इन इंडिया जो किताब है उनकी, जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना पेपर प्रेजेंट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जाति जो है वो ब्राह्मणों की बनाई हुई है। अब गेल ओमवेट तीसरे कैटेगरी, तीसरा चरण बताती हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब उस समय देखिए हो क्या रहा है, प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, लोग आमतौर पर शिकार कर रहे हैं और खा रहे हैं, यही एक तरह से मुख्य लोगों का जीने का तरीका था। लेकिन इसी समय में खेती का धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है और इसके बाद छोटे छोटे समूह बनने लगते हैं, गणसंघ बनने लगते हैं और आप देखेंगे कि कुछ कर्मचारी होते हैं जो कुछ में, उसमें से कुछ को पे किया जाता है, कुछ को नहीं पे किया जाता है, कुछ कुटुंब बनने लगते हैं और वो एक जो श्रेणी बनने लगती है जो कि कृषि के उपकरण देती है उसको वो
तो ये कैटेगरीज आपकी बनने लगती है एग्रीकल्चर का, धीरे धीरे जो विकास होता है इसकी वजह से जाति पर असर आने लगता है। ये समय जो है, जिस समय तक आप देखिए कि ब्राह्मणों की कल्पना के हिसाब से, वेद और मनुस्मृति के हिसाब से समाज को बनना चाहिए, और इस हिसाब से कृषि को वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बुद्ध आते हैं, और बुद्ध के आने के बाद आप देखेंगे कि एक खुली ढीली ढाली सोसाइटी बनती है। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो उस समय तक स्थापित नहीं हुआ है, और जो श्रेणीज हैं और गहपतीज हैं, वो जो गांव के अंदर की व्यवस्थाएं चलाने वाले लोग हैं, वो जैन धर्म भी इसी समय आता है। तो इस समय तक भारत में जाति जो है वो रूढ़ नहीं हुई है, ऐसा गेल ओमवेट बता रही है। इसके बाद का पीरियड, पांचवा पीरियड गेल ओमवेट बता रही है कि बुद्धिस्ट पीरियड जब खत्म होता है तो कृषि का और विकास होने लगता है। तो कृषि का जब विकास होने लगता है तो कस्बे बनने लगते हैं, छोटे मोटे शहर आसपास बनने लगते हैं, और वहां से कृषि के उपकरण आने लगते हैं, और खेती के का जो उपज है वो जब एक्स्ट्रा होता है उसकी खरीद बिक्री शुरू हो जाती है। तो एक नया सिस्टम बनने लगता है। इसमें जो कारीगर समूह है वो गांव में जाके बसते हैं, और वो किसान जातियां हैं वो इकट्ठा होती हैं, और वो कृषि के लिए उपकरण बनाना तैयार करती है। जजमानी सिस्टम इस समय आता है, बलूतेदारी सिस्टम इसी समय आता है। और इस समय जो ब्राह्मणों ने अपना सिस्टम बनाया था कि जातियों की अलग अलग श्रेणियां होंगी, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, फिर उसके कोई नीचे होगा, और एक जाति से दूसरी जाति में कोई जा नहीं सकता है, इसको उन्होंने धार्मिक किताबों के जरिए स्थापित करने की कोशिश की कि ईश्वर ने बनाई है ये जाति, मनुष्यों ने नहीं बनाई है, वो अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ईश्वर ने बनाई है। धरती के देवता चूंकि वो खुद हैं तो अपने आप को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है और ये मनुस्मृति जैसा टेक्स्ट है वो इस समय एक ठोस रूप लेने लगता है, पोस्ट बुद्ध पीरियड में वो कह रहे हैं, और जाति यहां पर रूढ़ होती है। देखिए गेल ओमवेट बहुत साफ साफ कह रही हैं कि जाति जो है वो पहले के व्यवस्थाओं में नहीं है, जब लोग शिकार कर रहे हैं खा रहे हैं, कृषि जब आ रही है, जब बुद्ध हैं तब तक जाति व्यवस्था रूढ़ नहीं हुई थी, मजबूत नहीं हुई थी। जाति रूढ़ तब होती है जब एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है वो प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जब बनता है, उसके बाद ही द कास्ट सिस्टम बिगन टू कंसोलिडेट होना शुरू होता है कृषि के विकास के साथ। अब कृषि के विकास के साथ जैसे ही जाति रूढ़ होने लगती है, जाति से कुछ लोगों को समस्याएं होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, जाति से लोग परेशान होने लगते हैं, यहां पर भक्ति आंदोलन आता है, और वो बताता है कि ये जातियों का जो बंधन है ये उचित नहीं है, ब्राह्मण जिस तरह से बता रहे हैं समाज को उस तरह से नहीं होना चाहिए। इस समय आपको नामदेव आते हैं, धानेश्वर आते हैं, कबीर आते हैं, चोखा मेला आते हैं, तुकोबा आते हैं, रविदास आते हैं, और ये सारे लोग बताते हैं कि सभी मनुष्य एक हैं, और ये जो जाति की व्यवस्था ये ठीक नहीं है, जो पुजारीवाद है वो सही नहीं है, और वो समानता सिखाते हैं। जैसे आप गेल ओमवेट बता रही हैं कि तुकोबा बताते हैं कि नदी के किनारे लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, और वो बताते हैं कि जाति और वर्ण के अहंकार को छोड़ दो, ये वो बता रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था देखिए आते आते बहुत लंबे समय तक चलती है, आपको 16वीं 17वीं शताब्दी तक जाति व्यवस्था आपको रूढ़ होती है, उसके खिलाफ संघर्ष होते हैं, संघर्ष उस मायने में नहीं, लेकिन सुधारक आते हैं और चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जाति का छठा चरण है, जाति का सिक्स्थ फेज है। इसके बाद सातवां चरण आता है, जबकि यूरोप की आधुनिकता, जो वहां का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, उसका भारत में असर आता है, कॉलोनाइजेशन होता है, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं और वो जाति को बदलने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर नहीं, लेकिन वो जो प्रोडक्शन का नया मोड लेके आते हैं इसकी वजह से जाति बदलने लगती है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में जाने की व्यवस्थाएं शुरू होती है, आपको टेलीग्राम आ जाता है जो अब आजकल नहीं है, रेलवेज और टेलीग्राम वगैरह से ये चीजें बदलती हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर ब्राह्मण उठाते हैं, जिस अंग्रेजों की व्यवस्था को सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेज उठाते हैं, और एजुकेशन जैसे ही अंग्रेज लेके आते हैं वो अपने सारे वेद पुराण शास्त्र वगैरह किनारे छोड़ते हैं और इंग्लिश एजुकेशन में घुस जाते हैं। ब्राह्मणों की यहाँ पर देखिए कि वो जो मॉडर्निटी है इसका फायदा उठाने के लिए, चूंकि वो सबसे ज्यादा तैयार थे, प्रोडक्शन पर उनका कंट्रोल था, और चूंकि वो शिक्षा के ऊपर बैठे हुए थे, तो गेल ओमवेट बता रही हैं, और इसमें वो योति थास को कोट करके बताती हैं, द ब्रिटिश रूल हैविंग अपीयर्ड, दीज ब्राह्मण्स हैव रोल्ड अप एंड थ्रोज अवे ऑल वेदास, पुराण है स्मृतिज, ये सारा कुछ वो छोड़ देते हैं ब्राह्मण, और इसके बाद वो वेदास ऑफ हाई कोर्ट जॉब्स, स्मृतिज ऑफ रेवेन्यू बोर्ड एम्प्लॉयमेंट,
उपनिषद ऑफ अकबरी ऑफिस जॉब्स, भाष्य ऑफ म्युनिसिपल ऑफिस एम्प्लॉयमेंट, ये सब वो करने लगते हैं। ये जाति व्यवस्था जो है, ब्राह्मणों का वर्चस्व अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में सबसे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो पूरे देश में संगठित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास लिखने पढ़ने के साधन थे। और अंग्रेजों के आने का सबसे ज्यादा फायदा जो है, जिससे सोशल क्लास ने उठाया, गेल ओमवेट बताती हैं, ये जाति का सातवां चरण है जिसमें बता रही हैं कि यहाँ पर वो ब्राह्मण्स जो हैं वो खुद को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अंग्रेजों की दी हुई नौकरियां वो पकड़ते हैं, जॉब पर उनका जो कंट्रोल है। जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु वगैरह में एक समय में 90-100% तक, आपको महाराष्ट्र में भी और कलकत्ता वगैरह में भी जो ब्राह्मण है वो सरकारी जॉब पकड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से ये समस्या है, संस्कृति नष्ट हो रही है, लेकिन वो अंग्रेजी की संस्कृति में घुसते हैं। वो खुद अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं और भारत में इंग्लिश एजुकेशन सबसे पहले ब्राह्मणों ने पकड़ा है, बाकी लोगों को तो बात समझ में ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। और ये देखिए इसी समय बता रहे हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म वाज कंस्ट्रक्टेड। इस समय तक हिंदू जो था वो एक ज्योग्राफिकल एरिया था, सिंधु के पार के इलाके को अल हिंदी या हिंदुस्तान कहते थे, और हिंदू जो वर्ड था वो एक भौगोलिक क्षेत्र था। इसके बाद लेकिन धीरे धीरे वो उसका एक आर्थिक, ये धार्मिक अर्थ वो यहाँ पर देते हैं और एक धर्म का नाम आता है हिंदुइज्म, या हिंदू धर्म का यहाँ पर नाम आता है। ये आठवां चरण बता रही हैं गेल ओमवेट। और हिंदू शब्द बहुत बाद में आता है कि जो इस क्षेत्र में रहने वाले वो सारे लोग हिंदू हैं, जो कि मुसलमान या ईसाई नहीं है, वो सारे लोग हिंदू हैं, यहाँ पर हिंदू शब्द आता है। और यहीं पर वेद शास्त्र और दूसरे जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उसके हिसाब से वो समाज को संगठित करते हैं, और भक्ति का भी जो एक ब्राह्मणवादी रूप है उसके हिसाब से देवता और देवियां वगैरह आने लगती हैं। तो इस तरह से एक आइडियोलॉजिकल फोर्स के रूप में, एक वैचारिक ताकत के रूप में हिंदू धर्म यहाँ पर अस्तित्व में आता है। बहुत नई चीज है ये। तो ये जाति का आठवां चरण गेल ओमवेट बता रही हैं। और इसके बाद वाला जो वो बता रही हैं कि जो आधुनिक व्यवस्था आती है उत्पादन की, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन होता है और खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड जब आता है तो जजमानी और बलुतेदारी सिस्टम जो है वो धीरे धीरे चला जाता है, आधुनिक उद्योग आते हैं और पुराने जो कारीगर थे उनकी जो उनके जो जाति पेशे थे उनका काम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे मातंग रस्सी बनाते थे, रस्सियां फैक्ट्री में बनने लगी हैं, जो लोहार लोहे का काम करते थे वो फैक्ट्री में बनने लगी है, जो बढ़ई काम करते थे कारपेंट्री का वो काम भी उनके हाथ से छिन गया। तो ये धीरे धीरे वो जाति और कर्म का जो बंधन है वो यहाँ पर ढीला होता है और नई एक जाति व्यवस्था खड़ी होती है। यहाँ पर आप देखिए गेल ओमवेट बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रही हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्री और आती है और ऑफिस का काम शुरू होता है। तो ऐसे समय में जो सबसे कठिन काम है, माइनिंग के अंदर का काम या जो सबसे मुश्किल काम है या जो गंदा काम है, वो जो अति शूद्र जातियां जो हैं, जो अछूत जातियां जिनको कहा जाता था, उनके हिस्से में आई। इसके अलावा जो काम मुश्किल है लेकिन गंदा नहीं है वो काम शूद्रों के हिस्से में आया। और जो टॉप का साफ सुथरा काम है, ऑफिस का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये वाला काम अपर कास्ट ने पकड़ा, मुख्य रूप से ब्राह्मणों ने पकड़ लिया। ये इनके शब्द हैं, एट द टॉप द क्लीन जॉब्स विद ग्रेट अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेंटल लेबर द प्रोफेशंस डॉक्टर्स लॉयर्स प्रोफेसर्स वेयर मोनोपोलाइज्ड बाय ब्राह्मिन्स। इसलिए जाति जो है आधुनिकता के साथ एक नई शक्ल लेती है और इसमें पुरानी जो जाति व्यवस्था है कि अलग अलग कैटेगरीज की जो जातियों की बनी हुई है और उसमें जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी वो आधुनिकता के साथ एक नई व्यवस्था जो आधुनिक समय है कि इसमें साफ सुथरा काम कौन करेंगे, मेहनत का काम कौन करेगा, गंदा काम कौन करेगा। तो आप देखेंगे जाति जो है ये 2500 साल की जर्नी में चीजें वहीं से वहीं पहुंच जाती हैं कि गंदा काम एक खास कैटेगरीज कर रही है, मेहनत का काम, किसानी का काम, सारे काम कुछ और कोई और करेगा, और जो प्रोफेसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, या टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कॉरपोरेट के जो टॉप लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं ये अपर कास्ट के हिस्से आएगा। तो दरअसल इस समय की जो लड़ाई है ये इस पूरे व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने की लड़ाई है कि सारे लोग सभी काम को करें, सीवर काम करने का काम जो है वो ब्राह्मण्स भी करें और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का काम जो है वो शेड्यूल कास्ट के भी लोग करें। ये जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, इसका मतलब तभी होगा जब सारी जातियां सभी तरह के काम करने लगेंगी। ये काम इस समय दरअसल नहीं हो रहा है,
इसलिए भारत का लोकतांत्रिकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी जातियां काम नहीं कर रही हैं, इस वजह से समस्या खड़ी हो रही है। तो गेल ओमवेट जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत जानी मानी समाजशास्त्री हैं और जिनकी किताबें आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी, आज पूरा भारत अगर फूले को, सावित्रीबाई फूले को जानता है और सारे भक्ति के सारे कवियों को और सुधारकों को जानता है, तो इसका बहुत सारा श्रेय गेल ओमवेट को जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि गेल ओमवेट ने जाति को किस रूप में देखा, और आपकी सहमति असहमति हो सकती है कि गेल ओमवेट ने जैसे देखा वैसे ही हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि आर्य जाति को लेकर आए सबसे पहले, लेकिन गेल ओमवेट कह रहे हैं कि आर्य का जब इन्वेशन होता है उस समय, चूंकि सारे लोग शिकार करते हैं और खाते हैं, तो इस समय जाति का कोई स्पेस नहीं था। जाति जब कृषि का विकास होता है उसके साथ जाति आती है, ये वो कह रहे हैं और कह रही हैं गेल मैडम, और ये भी कह रही हैं कि शास्त्र पहले लिख लिए गए थे जिनमें जाति की व्यवस्था है, पुरुष सूक्त जैसे आप देखेंगे वेद में है, मनुस्मृति में पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि जाति ऐसे ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये इन्होंने या अर्थशास्त्र चाणक्य जो कौटिल्य का है उसमें भी जाति का किसके लिए कितनी सजा होगी, किस जाति ने अपराध किया तो उसकी कितनी सजा होगी, इसका सारा का सारा उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। लेकिन उस समय तक ये था कि ऐसा होना चाहिए। ये हुआ जाकर बुद्ध के बाद जातियां रूढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, एक जातियों से दूसरी जातियों में जाना बंद होता है, जजमानी सिस्टम आता है, कुछ जातियां प्रदूषित जातियां मानी जाती है जिनको छू लेने से, बल्कि कुछ जातियों को देख लेने से दिक्कत होती है। तो ये सारी समस्याएं असल में इसके बाद आती हैं, और ब्राह्मण चूंकि इस पूरी व्यवस्था के शिखर पे हैं, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो इन सारे ग्रंथों को छोड़ते हैं, वो संस्कृत पढ़ना छोड़ देते हैं, वो विदेश जाना से जात चली जाती थी, खुद विदेश गए सबसे पहले, सबसे ज्यादा वो विदेश गए, सबसे ज्यादा उन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई की, और अपने बच्चों को उन्होंने मॉडर्निटी की तरफ जब वो मौका मिला तो वो कभी मुगलों के दरबार में भी गए बड़ी संख्या में, सारे मुसलमान शासकों के दरबार में भी गए, और ब्रिटिशर्स के समय में तो उन्होंने सारा कुछ लगभग कंट्रोल कर लिया, पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरे प्रोफेशनल क्लासेस को कंट्रोल कर लिया। और आजादी के बाद थोड़ी आधुनिकता जरूर आती है कि वो पहले की तरह ये इस जात का आदमी है तो यही काम करेगा या नहीं है, लेकिन जॉब में कैटेगरीज हैं कि ये इस तरह के जॉब ये सोशल क्लास करेगी, किसान जैसे। हाँ, एक इलाका है जो आप देखेंगे पूर्वी भारत का जहां पर ब्राह्मण हल नहीं पकड़ते हैं, तो ये उन्होंने तय कर लिया कि हम मुझे ये काम नहीं करना है, और ये वाला काम जो है ये कास्ट करेगी, और हमें पढ़ने लिखने के काम में जाना है क्योंकि साफ सुथरा काम है वो ब्राह्मणों के पुराने स्ट्रक्चर के आसपास का काम है। तो ये असल में ये पूरी जो प्रॉब्लम है कास्ट की इस रूप में आती है। आप लोगों के कमेंट्स में लगातार देख रहा हूं, तो असल में देखिए जैसे अब ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं जाति कैसे जाएगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें सबसे जो अच्छा टेक्स्ट है वो बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट है। वैसे बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश किया है वो पेपर भी है, तो उसके बारे में भी हम अगला जब हमारा प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें मैं इसको पेश करूंगा। और मैं अपने वॉल पर ये जो 3 पेज का नोट है गेल का लिखा हुआ, तो इसको मैं अपने वॉल पर पेश कर दूंगा, ताकि आप में से जो लोग इसको मूल रूप में पढ़ना चाहते हैं, ताकि आप लोगों के लिए वो आसान हो और आप लोग इसको पढ़ सकें और जान सकें कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में जाति को किस रूप में देखा, जाति की समस्या को किस रूप में देखा, क्योंकि दरअसल इसमें सबको पढ़ने की जरूरत है, जिसमें आप सहमत हो ना हो ऐसे सारे लोगों को जानने की जरूरत है। और उसमें आपको लोहिया ने जाति को कैसे देखा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बाकी और आप इवन मंडल कमीशन में जाति को लेकर बहुत सारी बातें हैं, तो ये जो भारत की इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, भारत की पिछले 2000 साल की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर बहुत कम बातचीत हुई है और लोग बहुत शर्माते रहे हैं, जो नीचे की जात के लोग हैं। जब ऊपर कास्ट का एक आदमी पूछ लेता है कि किस जात के हो, तो नीचे की जात का आदमी शर्म के मारे गड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अब इस बारे ये सवाल दूसरे तरफ पूछा जाना चाहिए, अपर कास्ट जो लोग हैं, द्विज लोग कहिए या जनेऊधारी जो लोग हैं, उनसे अब पूछा जाना चाहिए कि भाई आप किस कास्ट के हैं और आप कैसे मानते हैं खुद को श्रेष्ठ हैं, ये असल में पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हम इस बातचीत को आगे यूं ही जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।